हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल द इमिग्रेशन गुरुस। बहुत टाइम बाद एक वीडियो बना रहा हूँ एंड आई एम गोइंग लाइव ओनली ऑन दिस चैनल। संडे को लाइव करते हैं बस, और टाइम ज़्यादा मिल नहीं रहा है एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि ये वाली वेबसाइट ओपन क्यों की हुई है। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ फॉर वीज़ा फाइलिंग फॉर बहरीन। अभी आई वॉज टॉकिंग टू टू ऑफ माई क्लाइंट्स, वन इज इन दुबई, वन इज इन बहरीन। तो दुबई से इंफॉर्मेशन ये है कि माई क्लाइंट डिडंट गेट अपॉइंटमेंट फॉर कैनेडा बायोमेट्रिक, तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली इस मंथ के लिए। मोस्ट रिसेंट अपॉइंटमेंट विच वॉज अवेलेबल, इट वॉज ऑन December 15th। तो अभी तो शायद और भी डिले हो गया होगा उसमें। सो मे बी अगर आप आज अप्लाई करते हैं दुबई के लिए तो यू मे बी गेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ December 25th और समथिंग, तो ऐसा कुछ होगा। तो आई वॉज टॉकिंग टू माई क्लाइंट इन बहरीन, नाउ ही इज लॉट मोर देन माई क्लाइंट, तो काफ़ी डिस्कशन होता है। सो टुडे वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स अबाउट हिज वीज़ा एप्लीकेशन। तो वो फाइल कर दी है बट कुछ और उसमें कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। सो ही शेयर्ड दैट बहरीन में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, पीपल आर नॉट रशिंग टूवर्ड्स बहरीन। अबू धाबी में भी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। सो बहरीन फॉर श्योर उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, सो ही गॉट अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे जैसे ही उनका वीज़ा हमने फाइल किया था। तो वहाँ पे कोई रश नहीं है एंड यू मे बी गेटिंग रिसेंट अपॉइंटमेंट्स फॉर कैनेडा बायोमेट्रिक। तो रादर देन गोइंग टू दुबई जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, यू कैन गो टू बहरीन एज वेल और अबू धाबी में अगर आपका सिस्टम बनता है जाने का, तो इट मे हेल्प यू इन गेटिंग बायोमेट्रिक क्विकली। तो इंडिया में वी डोंट नो कि कब बायोमेट्रिक सेंटर ओपन होने वाले हैं। एवरी मंथ लगता है कि नेक्स्ट मंथ ओपन हो जाएंगे बट इट इज गेटिंग डिलेड। तो मे बी दिसंबर में इंडिया में भी ओपन हो जाए बट वी डोंट नो। बहरीन में ओपन है, दुबई में ओपन है, अबू धाबी में ओपन है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो बहरीन के लिए मैंने चेक करना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया है इसके लिए। सो इफ यू ट्राई टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, और अगर आपके पास एक वैलिड ई वीज़ा है तो आप बहरीन ट्रेवल कर सकते हैं। सो दैट इज देयर, सो इट इज़ अलाउड। सो इफ यू गेट वीज़ा यू कैन ट्रेवल। वी डोंट बिलोंग टू GCC कंट्रीज, तो गल्फ कंट्रीज है वहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो दैट इज नॉट देयर फॉर अस। सो पर्पज इज टूरिज्म, देन डिटेल पर्पज इज अदर, देन यू कैन फिल इट इज एट कनाडा बायोमेट्रिक एंड कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो आई एम फ्रॉम इंडिया, सो आई एम ओके। सो फ्रॉम इंडिया दीज आर द ऑप्शंस ऑफ वीजा, तो मल्टीपल इंटरनेट बेस्ड वीज़ा है यहाँ पे, तो यू कैन पिक अप द कैटेगरी जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो इफ़ यू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा 1 ईयर, सो एंड 90 डेज का उसमें 1 स्ट्रेच स्टे पीरियड है। सो इन दैट केस आपको 44 बहरीनी दिनार आपको पे करना पड़ेगा। सो दिस इज रियली कॉस्टली, मतलब इवन कॉस्टलियर देन US एंड कैनेडा, तो वहाँ के जो डॉलर्स हैं उनसे भी बहुत कॉस्टली है। सो आई एम गोइंग टू शो द कन्वर्जन वेरी सुन। सो दिस इज देयर, दिस इज फॉर योर 1 ईयर विजिटर वीज़ा। देन अनदर ऑप्शन इज आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, विजिटर वीज़ा सिंगल एंट्री जिसमें 2 वीक्स का पीरियड रहता है इन 1 स्ट्रेच जिसमें आप रह सकते हैं। इसकी कॉस्ट 9 बहरीनी दिनार रहने वाली है। सो यू नीड टू चेक योर एलिजिबिलिटी कि आप कौन से वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। देर आर डिफरेंट कंडीशंस फॉर ईच वीज़ा। सिमिलरली यहाँ पे विजिटर ई वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री जिसमें 1 मंथ के स्ट्रेच पीरियड, 1 मंथ एक स्ट्रेच में आप रह सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो देयर। फॉर दिस वीज़ा यू नीड टू पे 29 बहरीनी दिनार। सो सो डिफरेंट वीज़ा ऑप्शंस हैव डिफरेंट पी, तो यू कैन पिक अप द ऑप्शंस, आपको जो भी ऑप्शन इसमें सूट करता है।
दिस ऑन अराइवल वीजा इज व्हाट आई अंडरस्टूड, ये उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी वीजा अवेलेबल है गल्फ कंट्रीज का, तो दे कैन जस्ट गो देयर एंड गेट द वीजा ऑन अराइवल। बट आई फील कि मोस्ट सुटेबल कैटेगरीज इन्हीं चार में से एक होने वाली है, इन तीन में से एक होने वाली है, जो एक्सटर्नल जो भी लोग हैं आउटसाइड गल्फ कंट्रीज, तो इनमें से ही किसी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद दे कैन गो देयर एंड गिव देयर बायोमेट्रिक क्विकली, तो वहां पे इतना रश नहीं है, सो यू कैन गिव योर बायोमेट्रिक क्विकली देयर। जस्ट टू शो यू द कन्वर्जन, अगर आप 29 बहरीनी दिनार पे करते हैं, सो यू विल बी पेइंग अप्रोक्सीमेटली 6,000 इंडियन रुपीज, तो एक बहरीनी दिनार अप्रोक्सीमेटली 200 इंडियन रुपीज के इक्वल है, सो रियली कॉस्टली, मल्टीप्लाई बाय 3 US डॉलर, लगभग 3 US डॉलर के इक्वल है। एंड आई ट्राई टू चेक फॉर द फ्लाइट्स एज वेल कि इसका क्या कॉस्ट रहने वाला है, तो मनामा एक प्लेस है बहरीन में, बहरीन छोटी सी जगह है एज शेयर्ड बाय द क्लाइंट, तो उन्होंने जैसा बताया, तो यहाँ पे मैंने चेक किया है 23rd of November को अगर आप जाते हैं एंड 30th नवम्बर को वापस आते हैं इस मंथ में, वन अडल्ट स्काई स्कैनर पे मैंने ये चेक किया था, सो यू विल बी पेइंग अप्रोक्सीमेटली 46,000 to 50,000 रुपीज, जो आपको राउंड ट्रिप का इसमें लगने वाला है, एंड कुछ एक्सपेंसेस वहाँ रहने के एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर, सो आपका ये खर्चा होने वाला है, जो आपका जो आप टूरिस्ट वीजा लेने वाले हैं उसका खर्चा होने वाला है, एंड जो रहने का खर्चा होने वाला है वो सब खर्चा आपका होने वाला है, बट यू विल बी एबल टू गिव योर बायोमेट्रिक क्विकली, तो अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, होपफुली मिल जानी चाहिए बिकॉज ज्यादा रश नहीं है वहाँ पे, तो अबू धाबी या दुबई के अलावा अबू धाबी अगर आप जा सकते हैं तो वो एक ऑप्शन है, बहरीन इज ए गुड ऑप्शन अगर यहाँ का वीजा मिल जाता है तो, सो आई फील दिस कैन वर्क एंड वर्क बेटर देन दुबई, दुबई इज गेटिंग फेमस तो वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, तो ज्यादा पॉपुलर हो गया है सडनली, सो बट इफ यू कैन गेट वीजा ऑफ बहरीन तो ये भी आपके लिए काम कर सकता है। प्रोसेसिंग इज रियली क्विक देयर एज वेल, इवन आइल्स का रिजल्ट भी वहाँ पे उनको क्विकली मिल गया था, सो इट वॉज रियली क्विक दे गोट द रिजल्ट, कंप्यूटर बेस्ड रिजल्ट था, टेस्ट था, बट स्टिल दे गोट रिजल्ट इन 3 डेज, जो जनरली यहाँ पे 7 डेज का टाइम अप्रोक्सीमेटली आई बिलीव रहता है, सो दैट्स इट, दिस इज द थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर, बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाई है, सो आई एम फीलिंग लाइक आई डोंट नो, दिस इज स्ट्रेंज फीलिंग, बाकी तो लाइव वीडियोस ही चल रही है, आई एम गोइंग टू एडिट इट सून एंड गोइंग टू शेयर विद यू रियली रियली सून, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग फॉर सपोर्टिंग एंड कमिंग टू माय चैनल फॉर फॉर माय लाइव कंटेंट, और जैसे ही थोड़ा सा पीएचडी वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है थोड़ा सा काम प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, एंड एज सुन एज आई कंप्लीट माय पीएचडी एग्जाम इन द मिड ऑफ दिसंबर, तो 1 वीक का मेरा एक एग्जाम रहता है, एक ही एग्जाम 1 वीक का है, सो एज सुन एज आई कंप्लीट इट तो मैं थोड़ा सा और एक्टिव हो जाऊंगा इस चैनल पे, आल्सो आई शेयर्ड इट अर्लियर एज वेल, एक चैनल दूसरा जो पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस ग्रोवर, वो भी स्टार्ट किया है, माय वाइफ अंजलि इज मैनेजिंग दैट चैनल, तो इफ यू वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ एंड माय कनाडा जर्नी एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज दिस चैनल इज प्रोफेशनल वन एंड आई एम मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स हाउ आई कैन सेंड यू टू कनाडा एंड एस्पेशली ऑन स्टडी वीजा, तो मेरा ज्यादा फोकस इसी चीज पे रहता है यहाँ पे, रादर देन शेयरिंग लाइफ इन कैनेडा माई पर्सनल लाइफ माई पर्सनल जर्नी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो मैं जनरली यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ, सो इफ यू वॉन्ट टू नो दोस थिंग्स एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मी मोर पर्सनली एंड माई लाइफ हाउ वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स हाउ वी हाउ द लाइफ इज गोइंग ऑन वट इज हैपनिंग इन पी एच डी वट इज नॉट हैपनिंग एंड वट्स एवर इज देयर इन इन माई जर्नी, तो for that you can follow that channel, I am going to share the link of that channel in the description and jitne subscribers yahan hain they can follow me there as well, that's it, thank you so much everyone for watching, see you in next video or next live, bye.